वन हाउ आर यू, दिस इज़ योर फोनिक्स पिक्चर डिक्शनरी बुक। यहाँ पे आप फोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, साउंड्स, लेटर्स एंड देयर साउंड्स, और पिक्चर्स भी उनके साथ दी होंगे। और लेट्स ओपन इट, यू कैन सी द पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे जो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, आपने इनको पढ़ना भी ऐसे साउंड्स के साथ, जैसे अ आंट, ब बैग, क कैट, ड डॉग, अ एग, फ फैन, ग गोट, ह हैट, अ इग्लू, ज जग, क किंग, ल लीप। ये इसी साउंड पे आपने पढ़ने हैं। अब क्लास वन आपकी उर्दू की अमली किताब है, इसका जो सफ़ा नंबर 2 है, यहाँ पे आपने अलिफ से लेकर ये तक, बड़ी ये तक हरूफ तहजी राइट करनी है। और बहुत ही प्यारी, अगेन एंड अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि आपने राइटिंग बहुत प्यारी करनी है, नीट एंड क्लीन राइट करना है, आपने अपनी बुक्स को बिल्कुल ख़राब नहीं करना और बहुत नीट राइटिंग में करना है। नाउ क्लास वन यू हैव द मैथ एक्टिविटी बुक। मैथ की जो एक्टिविटी बुक है, इसमें पहले आपने जो सा था सर्कल करना था, आपने सर्कल करना था, जो स्मॉलर, टॉलर, शॉर्टर, बिगर, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को आपने सर्कल करना था। अब जो सा आपने कलर करना है, लुक एट द शेप्स बिलो, फाइंड द स्मॉलेस्ट शेप इन ईच रो एंड कलर इट। हर जो रो दी गई है आपके पास, तो ये वाले फर्स्ट टू जो रो, ये फर्स्ट टू रोज जो सी हैं, इनमें जो सबसे छोटी आपको शेप नज़र आ रही है उनको आपने कलर करना है, और जो नीचे वाली टू रोज हैं इनमें से जो सबसे बड़ा, फाइंड द बिगेस्ट शेप इन ईच रो एंड कलर इट, और इनमें से जो बड़ी है ना, जो सबसे बड़ी है उनको कलर करना है आपने। नाउ क्लास वन यू हैव द साइंस बुक। साइंस बुक में आपने पहले शर्ब्स के बारे में पढ़ा था, अब आप हर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। द वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं, जो कि ज़्यादा बड़े ग्रो नहीं करते, वो उनको क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी आपने ये जो मार्क की हुई है इतनी ही याद करनी है। लेट्स स्टडी, दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। इनके जो स्टेम होती है वो कहती है सॉफ्ट और ग्रीन होती है। इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, टोमेटो, डेजी प्लांट, मैरीगोल्ड, ये तीनों इसकी एग्जांपल दी गई हैं। लेकिन आपको जो मार्क की हुई दिखाई दे रही है, ये डेफिनेशन आपने राइट करनी है अपनी नोटबुक पे और लर्न भी करनी है। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।